हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास आई है बुलेरो पावर प्लस। गाड़ी में प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है और गाड़ी में फॉल्ट कोड जो है वो ये आ रहा है, मीटरिंग यूनिट ओपन लोड एरर P0001। तो ये रहा हमारा मीटरिंग यूनिट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो जो है वो काफ़ी छोटी होने वाली है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं ये आपको दूसरी गाड़ी का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हो मीटरिंग यूनिट जो है वो हमारा गाड़ी में इस जगह पे लगा होता है। इसमें जो है प्रॉपर करंट की सप्लाई नहीं आने से या फिर इसका कपलर हो या मीटरिंग यूनिट ख़राब होने से गाड़ी में ये कोड आपका जनरेट होगा और गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इस गाड़ी में हमें क्या प्रॉब्लम मिली और इसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी से बता देते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये रहा हमारा मीटरिंग यूनिट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉपर सप्लाई जो है वो कितनी आती है। तो एक पिन पे आती है 2.5 वोल्ट, एक पे 12 वोल्ट। तो गाड़ी में जो है वो हमने चेक किया तो एक पे 2.5 वोल्ट आ रही थी बट एक पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो नहीं आ रही थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखो इसका वायरिंग डायग्राम है। अगर आप इसके वायरिंग डायग्राम को गौर से देखोगे तो मीटरिंग यूनिट, बूस्ट पीआर एक्चुएटर और ईजीआर एक्चुएटर, ये तीनों के एक एक वायर जो है आपस में कनेक्टेड है जिसमें कि 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो ये आप देख पा रहे हो हमने एक वायर जो है उनसे जोड़ के गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया। तो प्रॉब्लम जो है वो आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।